किसान पलता है, बढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारा खर्चा उसको जमीन से निकलता है खेती के माध्यम से। तो पहली बात तो जमीन ले लेना ही एक बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन अगर भूमि अधिग्रहण कानून, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, बिल्कुल इस आंदोलन में साथ में है और इसका विरोध करते हैं कि जमुना पार में ये प्रोजेक्ट, या ये कह सकते हैं ये बाईपास एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के लिए, क्योंकि जसरा का जाम लोगों के लिए सिरदर्द है 24 घंटे के लिए। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या का निजात हो रहा था और कहीं ना कहीं जो गतिरोध है उससे इस कार्य में विलम्ब हो सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कार्य में विलम्ब हो रहा है तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सवाल है ना। प्रयागराज के गौहनिया चौराहे पर जसरा बाईपास और फ्लाईओवर के लिए अधिग्रहित की जा रही किसानों की जमीन के कम मुआवजे को लेकर किसान नाखुश हैं और इसी नाराजगी की वजह से भारतीय किसान यूनियन के साथ उनकी जो बैठक हुई और पूरे दिन से किसान दिन रात यही इसी स्थल पर, यह सड़क के बीचों बीच ANH 13 रीवा रोड पर किसान डटे हुए हैं। लगातार किसानों के बैठने का क्रम जारी है, लगातार वह यहाँ पर समय दे रहे हैं, तमाम उनके नेता पहुँचे हुए हैं। देखिए, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आज क्या कुछ प्रगति रही इस अनशन को लेकर, किसानों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई। आज इस धरना स्थल के चौथे दिन अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया, कोई बात वहां से किसी प्रकार का आश्वासन अभी तक आया? कोई आश्वासन नहीं आया है अभी तक। SDM 12 से आज बात हुई है, हम लोगों ने उनसे सर्किल रेट के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। उन्होंने ये बताया कि सर्किल रेट तय करने का अधिकार तो DM को है, लेकिन जो सब रजिस्ट्रार 12 हैं इनके यहाँ से रिपोर्टिंग होती है। तो हम लोगों ने सर जो यहाँ के सब रजिस्ट्रार हैं सरोज जी, उनसे भी बात किया तो उन्होंने बताया कि सर्किल रेट तो हमने बनाया है लेकिन इसकी एक कमेटी होती है। तो अभी हम लोगों ने सर्किल रेट के सारे डॉक्यूमेंट, जो सर्किल रेट बनाने के जो आधार हैं वेस है, उसको हम लोगों ने मांगा है और जो इन्होंने सर्किल रेट बना करके DM को प्रस्तुत किया है उसकी कॉपी भी हम लोगों ने मांगा है। अगर ये कॉपी दे देते हैं तो सर्किल रेट के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको कमिश्नर के यहाँ जा करके चैलेंज करेंगे। अभी तक जो किसानों का आरोप है, जिस सर्किल रेट पर यहाँ की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, प्रथम दृष्टया क्या आपको लगता है कि ये जमीन का मुआवजा जो सरकार मौजूदा समय में तय की है, या आप लोग धरने पे नहीं बैठते तब ऐसे में क्या लगता है प्रथम दृष्टया कि वह कम है, उसमें कहीं खामियां हैं? बहुत ज़्यादा खामियां हैं, ज़्यादातर ज़मीनें कमर्शियल हैं, आवासी हैं, लेकिन यहाँ का जो तहसील का प्रशासन है उसने सबको कृषि में समाहित कर दिया। यही वजह है कि किसानों को जो है आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। जो ज़मीनें 1 करोड़ के बीघे से ऊपर हैं उस ज़मीन का मुआवजा 8 लाख रुपया तय किया गया है, उसे 4 गुना अगर जोड़ा जाए तो 32 लाख होता है। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ बीघे की ज़मीन का मुआवजा 32 लाख किसानों को दिया जा रहा है, तो ये तो बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय है। इस विषय में ये लड़ाई भारतीय किसान यूनियन भानु लड़ रहा है और किसानों की जो भी मांग है उस पर हम लोग यहाँ धरने बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कि ये सड़क भी बनेगी तो एक तरह से इसका कमर्शियल ही महत्व है, क्योंकि जिस तरह से पाड़र में टोल प्लाजा लगा हुआ है और वसूली होती है, एक तरह से सरकार के खजाने में ही पैसा जा रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो आगे भी चलेगी और किसानों को उचित मुआवजा न देना कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है? बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। एक तो किसानों की जमीन अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जमीन से किसान पलता है, बढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारा खर्चा उसको जमीन से निकलता है खेती के माध्यम से। तो पहली बात तो जमीन ले लेना ही एक बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन अगर भूमि अधिग्रहण कानून, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, अगर उसके तहत ये जमीन हमारा अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा मुआवजा दें हमें, यहाँ डेवलपमेंट करें, हमारे बच्चों को रोजगार दें, दुकानें डेवलप करें, तब तो माना जाएगा कि चलिए ठीक है, आप जमीन ले रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ न कुछ दे रहे हैं। आगे अगर सरकार या फिर प्रशासन जल्दी संज्ञान नहीं लेता और जो भी गतिरोध है, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे की या तमाम सारी बातों को, अगर जल्द सरकार इस पर फैसला या प्रशासन नहीं लेता तो ऐसे में भारतीय किसान यूनियन की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि पहली बात तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। जहाँ तक प्रशासन के संज्ञान की बात है, धीरे धीरे करके प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुँच रही है,
कि यहाँ पर किसान मुआवजे के मुद्दे पे, सर्किल रेट के मुद्दे पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। अब कल अगर SDM यहाँ आकर के सर्किल रेट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम लोग फिर कल फैसला सुनाएंगे कल क्या करना। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजीव चंदेल मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानू का। जी धन्यवाद। हमारे बीच इसी क्षेत्र के समाजसेवी और लेखक और जन समस्याओं पे हमेशा चिंतन करने वाले आदरणीय गुरुजी हैं। आप एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं इस इलाके में, और ये जो किसानों की समस्या है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि भी राजीव जी ने बताया, ये तो घोर अन्याय है किसानों के साथ में कि हमारी ज़मीन जो 1 करोड़ रुपये बीघे की ज़मीन है उस पर 20-30 लाख रुपए दे रहे हैं, तो घोर अन्याय है। और ये ज़मीन जो होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए किसान के लिए उपयोगी होती है, और उसको एक बार में आपने कुछ रुपया दे करके ले लिया, लेने के बाद आपने सड़क पर खड़ा कर दिया किसान को, तो अन्याय है। और हम भी किसान हैं, किसान के बेटे, हमारी भी ज़मीन जा रही है, हम बिल्कुल इस आंदोलन में साथ में हैं और इसका विरोध करते हैं। गुरुजी एक बात यह भी है कि कुछ लोगों का ये तर्क है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का ये कहना है कि जमुना पार में ये प्रोजेक्ट या ये कह सकते हैं ये बाईपास एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के लिए, क्योंकि जसरा का जाम लोगों के लिए सिरदर्द है 24 घंटे के लिए। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या का निजात हो रहा था और कहीं ना कहीं जो गतिरोध है उससे इस कार्य में विलम्ब हो सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कार्य में विलम्ब हो रहा है तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सवाल है ना, और हम नहीं चाहते कि हम सड़क पर आ जाएं और हमारी ज़मीन ये मिट्टी के भाव ले लिया जाए, तो हम तो लड़ेंगे, अस्तित्व का सवाल है, जीवन का सवाल है, तो इस पर तो लड़ाई होगी। मंडल अध्यक्ष राजीव चंदेल और इस क्षेत्र के ही प्रबुद्ध विजय चितौरी जी को आपने सुना, जिनका साफ कहना है कि यह किसानों की अस्तित्व की लड़ाई है, यानी वो जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों से मिली है, जिस पर वो खेती करते आए हैं, सरकार का इस तरह से एक झटके में मामूली कीमत पर उसके अधिग्रहित कर लेना, जिस पर वह अपना सही तरीके से पुनर्वास भी न कर सके, ऐसे में लड़ाई आर पार की होगी। जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता यहाँ पर कहते आए हैं कि अब हम आर पार की लड़ाई में सरकार से इस मुद्दे पर लड़ेंगे, और विकास जरूरी है लेकिन वह किसान के विनाश पर नहीं होगा, यानी किसान भी उन्नत करे तभी विकास और खुशहाली है। और इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रभावित किसानों के साथ लगातार चौथे दिन डटा हुआ है। आगे भी इसी तरह की खबरों के लिए और इस धरना स्थल से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।